नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल। तो हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में इस कैप्सूल से जुड़ी सभी जरूरी बातों को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे इस कैप्सूल से जुड़ी उन सभी जरूरी बातों को जो आपको इसको इस्तेमाल करने से पहले पता होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना ऑथेंटिक और सही जानकारी के कोई भी सप्लीमेंट लेना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो पूरी ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए आपको बस ये वीडियो अंत तक देखते रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपके इस कैप्सूल से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाली है। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाली सभी वीडियोस को बिना मिस किए सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल वाले बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है स्ट्रेस कॉम, तो इसका उपयोग स्ट्रेस या फिर मेंटल फटीग में किया जाता है। जिन लोगों को बार बार एंग्जाइटी होती है या जो लोग किसी भी बात को लेकर तुरंत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से जिन्हें डर लगता है, उनमें यह कैप्सूल इस्तेमाल की जाती है। ये कैप्सूल एक ब्रेन टॉनिक के रूप में उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है जो बहुत ही जल्दी किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो चीज़ें याद नहीं रख पाते, जिन्हें ठीक से नींद नहीं आती। तो नींद न आने की परेशानी में इसे लिया जा सकता है। उदासी की वजह से जिन लोगों को काम करने का मन नहीं करता, बार बार आलस आना, सोए रहने की इच्छा होना, ये जो आलस जो होता है ना, ये मोस्ट ऑफ केसेस में फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल होता है। तो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड फिजिकल स्ट्रेस में ये लिया जाता है। तो बात करते हैं स्ट्रेस कॉम के कंटेंट की। तो इस कैप्सूल का एकमात्र इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट, जो इस कैप्सूल में 300 मिलीग्राम है। तो जैसे कि आपको पता है, अश्वगंधा एक ऐसी वनस्पति है जो शरीर के सप्त धातुओं पर काम करती है। ये स्ट्रेस बस्टर्स हर्ब में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, यानी स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने में सबसे बेस्ट वनस्पति है। अश्वगंधा में मौजूद विथाफेरिन न्यूरोप्रोटेक्टिव रूप में काम करता है, जो वेरियस ब्रेन रिलेटेड डिसीज में काफ़ी इफेक्टिव देखा गया है। अब जानते हैं कि स्ट्रेस कॉम कैप्सूल को कैसे लिया जाता है। तो इस कैप्सूल को दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम को खाने के बाद थोड़े गुनगुने दूध के साथ या फिर पानी के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ये कैप्सूल किस कंडीशन में अच्छा काम करती है और किस कंडीशन में कुछ खास काम नहीं कर पाती। तो नॉर्मल एंग्जाइटी और स्ट्रेस की सामान्य अवस्था में ये कैप्सूल अच्छा काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन क्रॉनिक अवस्था में यानी किसी भी कंडीशन के जो पुरानी अवस्था है, एंग्जाइटी पुरानी है, तो उसमें ये कुछ खास काम करते नहीं दिखाई देते। दिन भर के नॉर्मल तनाव में जो हमें ऑफिस में या फिर काम करते वक्त या फिर स्टडीज को लेके आते हैं, उनमें इससे काफ़ी रिलीफ देखा जाता है। इस कैप्सूल को लेने के बाद काफ़ी हल्का और रिलैक्स महसूस होता है और नींद में भी काफ़ी फायदा देखा जाता है। लेकिन जो लोग क्रोनिक नींद की बीमारी से परेशान हैं, उनमें कुछ काम नहीं होता। बहुत लोग इस कैप्सूल को टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के रूप में भी देते हैं, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि टेस्टोस्टेरोन पे कुछ खास असर नहीं करता दिखाई देता। इस कैप्सूल से यंग लोगों में सेक्सुअल मूड में भी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है, लेकिन ये सभी केसेस में नहीं देखा जाता और एल्डरली पेशेंट में इससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो नॉर्मल स्ट्रेस और एंग्जाइटी, थकान में ये अच्छा काम कर लेता है। जो लोग ऑफिस या फिर ओवरवर्क की वजह से परेशान हैं, उन्हें इससे फ़ायदा होता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इस कैप्सूल के कोई भी नॉन साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसे लेने के बाद कुछ लोगों में थोड़ी डाइजेशन की गड़बड़ी या फिर एसिडिटी महसूस हो सकती है, और हाँ, इस कैप्सूल को लेने की लत नहीं लगती। तो दोस्तों, ये था एक क्विक रिव्यू स्ट्रेस कॉम कैप्सूल का। आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। उस लिंक पर आपको इसकी बाकी की जरूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक ऐसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।